विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर मंडल रेलवे चिकित्सालय प्रताप नगर में एओपीडी परिसर में आज दिनांक 24/10/2024 को पोलियो रोग के संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा का ऑनलाइन पॉडकास्ट का आयोजन किया गया है। माननीय डॉक्टर पराग अध्यापक सर, पीडियाट्रिशियन, सीनियर डीएमओ वडोदरा डिवीजन, हम आपको हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपका अभिवादन करते हैं। आपके अनुभव और ज्ञान से आज हम सभी लाभान्वित होंगे, इसी आशा के साथ हम इस प्रोग्राम का शुरुआत करना चाहते हैं और आपके उद्बोधन के साथ हम सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सर, कुछ हमारे मंडल रेलवे चिकित्सालय में जो माता पिता है उनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमें जो पूछे गए हैं उसका थोड़ा सा हमने एक लिस्ट लिया है और उसी के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। सर, पहला हमारा क्वेश्चन है कि पोलियो क्या है? देखिए, पोलियो जब हम भी कभी भी हम जब एक पोलियो वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ही इमेज आती है कि एक दिव्यांग व्यक्ति जो एक पैर से चल नहीं सकता। डेफिनेटली पोलियो एक वायरस है, एक इंटरवायरस है। इंटरवायरस मतलब ऐसा वायरस जो आंतरे का इन्फेक्शन करता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि मस्तिष्क में भी अफेक्ट कर सकता है और वो पैरालिसिस कॉज कर सकता है। सर, भारत में अभी जो पोलियो की वर्तमान स्थिति है वो क्या बता पाएंगे कि क्या है? देखिए, भारत अभी पोलियो के बारे में ऐसी स्थिति में है जहाँ पिछले जो लास्ट पोलियो का जो केस था हमारे यहाँ पर वो 2011 में पाया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी नेचुरल वायरस से जो पोलियो हुआ है ऐसा कोई केस भारत में तो नहीं है। 2014 में ही WHO ने भारत को पोलियो निर्मूलन कैटेगरी में सर्टिफाई कर दिया था। तो अभी सद्य कंडीशन में इंडिया में कोई केस नहीं। सर, बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि ये जो वायरस है वो कैसे फैल रहा है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इंटर वायरस है जो कि आंत्र में इन्फेक्शन करता है। और जो भी वायरस आंत्र में इन्फेक्शन करता है आपको पता है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, तो ब्लड मोशन करेगा। तो जो वायरस ब्लड मोशन से बाहर आता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है या फिर किसी के हाथ से या फोमाइट से स्प्रेड होता है, तो ये फीको ओरल रूट जिसको बोलते हैं, जो कि फीसेस से आएगा और जो नया जो नेक्स्ट आदमी है या पेशेंट है, बच्चा है, उसके हाथ से उसके मुंह में वायरस जाएगा, तो इसको बोलते हैं फीको ओरल रूट। और सबसे मुख्य बात इसकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैन टू मैन ट्रांसमिशन, मतलब पेशेंट से पेशेंट में जाएगा, ना कि और अदर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पाया जाएगा। सर, माता पिता का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर अपने बच्चे में उन्हें देखना है तो क्या लक्षण इस वायरस के दिखेंगे? लक्षण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 90-95% केसेस में कोई लक्षण नहीं पाया जाता। तो हो सकता है जब मैं ऐसा कहता हूँ तो काफी सारे लोगों को लगे कि अगर लक्षण ही नहीं मिलते तो हम इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों करें। चर्चा इसलिए करना है कि जब लक्षण नहीं होते हैं तब ज्यादा रिस्क होती है कि वो पोलियो आपको हो और वो आप सोसाइटी में या कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो, क्योंकि आपको खुद को ही पता नहीं कि आपको पोलियो हुआ है। तो जैसे कि लक्षण के बारे में बात की, 95% केसेस में कोई लक्षण नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि 3-4% केसेस में माइनर इलनेस, जैसे कि मैंने बताया लूज मोशन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फीवर आ सकता है, ये लक्षण आते हैं। 1% केसेस में एक नॉन पायरेटिक पोलियो कैटेगरी होता है जिसको हम मस्तिष्क ज्वर में जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार आना, उल्टी होना, जुलाब होना, हेडेक होना, गर्दन में दर्द होना, ये जो लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। और बहुत ही कम, मतलब लेस देन 1% में पैरालिटिक पोलियो जिसको बोलते हैं, जो कि दिव्यांग कैटेगरी में आता है और इंसान चल नहीं पाता उसके कारण, उसको उस कैटेगरी में लेस देन 1% केस में पाया जाता है। सर, ये होने के बाद क्या इसकी कोई इलाज है या कैसा है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कैसा है कि हम कोई भी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट जब हम पोलियो के बारे में बात करने जाएंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर फॉर पोलियो, बिकॉज अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट पार्ट या कोई एंटीवायरल ड्रग, कोई मैजिक ड्रग पोलियो के लिए नहीं बना। तो मतलब लोगों को ये ज्यादा जानना जरूरी है कि प्रिवेंशन करें, बिल्कुल इलाज करने से। सर, इसमें वैक्सीन के बारे में थोड़ी और हमें जानकारी हमें चाहिए, तो उसमें सर ये कि इसमें क्या सर वैक्सीन की भूमिका है
बिल्कुल उनका है। जैसे हम अगर हम देखना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो काफी सारे आपकी जनरेशन हो या हम खुद, हमने कभी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट देखे नहीं। स्मॉल पॉक्स 1980 में निकल गया वर्ल्ड से बाहर, तो उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य रीजन उसका वैक्सीनेशन का, जो बहुत अच्छा प्रोग्राम रन किया था, वो ये मुख्य कारण था। और स्मॉल पॉक्स के बाद शायद पोलियो एक बीमारी में जो पूरे वर्ल्ड से उच्चाटन जिसको बोलते हैं उस कैटेगरी में आने के तैयार है। हालांकि कुछ दो तीन कंट्री छोड़ के कहीं और उसके पेशेंट्स नहीं है। ये बेसिकली वैक्सीन का इसमें बहुत बड़ा रोल था। सर कई जगह पे हमने जब पोलियो टीकाकरण किया तो उसमें सर हमें एक अनुभव ऐसा हुआ कि पोलियो जो टीकाकरण है वो माता पिता कई बार हमें पूछते हैं कि पोलियो का टीकाकरण आवश्यक है क्या बच्चों के लिए? बिल्कुल आवश्यक है, और ये आवश्यक है ही, और साथ में जरूरी भी है सही टाइम पे चालू हो। जैसे कि हम, जैसे बेबी बॉर्न होता है फर्स्ट जॉब बर्थ, तभी एडवाइस करते हैं कि बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 15 डेज के अंदर पहला पोलियो का डोज जाना चाहिए। और ये इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि इंडिया में जो इन्फेक्शन का रेट है वो अर्ली चाइल्ड इन्फेंसी 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों में ज्यादा पाया गया है, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है। और मेन बात यह है कि आप जब 3 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन लेते हैं तो ये आपके बच्चे को ऑलमोस्ट 97-98% का इम्यूनिटी प्रोटेक्शन देता है। बहुत बढ़िया सर। इसमें जो नवजात शिशु है उसके जन्म के समय जो पोलियो का टीका दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जन्म के टाइम देने का रीजन यही है कि इसका इन्फेक्शन काफी जल्दी होने के चांस होते हैं। इंडिया में बच्चों में 6 महीने का होने तक इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हमें 6 महीने के बच्चे को प्रिवेंट करना है तो उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल कम्प्लीट होना चाहिए पाया जाता है। तो जैसे शेड्यूल आप सभी को पता होगा, जैसे बर्थ पे फर्स्ट डोज रहता है, उसके बाद 3 डोज 1.5 महीना 2.5 महीना 3.5 महीना, इतना अगर हम डोज कम्प्लीट करते हैं तो हम वो बच्चे को 99% तक प्रोटेक्शन दे सकते। सर ये जो पोलियो की वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस मतलब उसकी कारगरता कितनी रहती है? देखो पोलियो में 2 टाइप के वैक्सीन आते हैं। एक तो होता है जो हम अभी बात कर रहे हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी जिसको बोलते हैं वो, और दूसरा आता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। जब हम ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं तो उसकी सबसे खासियत ये है कि जब हम ये किसी बच्चे को देते हैं, जैसे कि वायरस भी इन्फेक्शन करता है और डायरिया करता है, सेम वे जब हम वैक्सीन देते हैं ड्रॉप के, उसमें भी बच्चे को रुदमोश होते हैं और वही वायरस वैक्सीन वाला वायरस स्प्रेड होता है, वो इम्यूनिटी साथ में स्प्रेड करता है। तो हम जब एक बच्चे को वैक्सीन देते हैं तो साथ साथ में हम कम्युनिटी को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वैक्सीन डबल कारगर है। मतलब बच्चे को तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में साथ अगर हम 60% ऑफ पॉपुलेशन भी अगर कवर करते हैं तो ये माना जाता है कि वो हर्ड इम्यूनिटी, मतलब पूरी कम्युनिटी को ये इम्यून कर सकते हैं। सर इसमें जो पोलियो वैक्सीन बच्चों को माता पिता दिलवाने लाते हैं उनका सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमने देखा है कि व्हाट कुड बी द साइड इफेक्ट, मतलब इसकी क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है वैक्सीन देने के बाद, तो उनको घर पे ले जाने के बाद क्या ध्यान रखना? देखिए सबसे मेन बात, हम जब भी वैक्सीन देते हैं तो हम उस टाइम पे भी सलाह दी जाती है कि वैक्सीन जब दिया जाता है तो नॉर्मली वैक्सीन, जैसे हम ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वायरस है, तो जैसे वायरस के इन्फेक्शन सिम्टम्स आ सकते हैं वैसे एक्सपीरियंस सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है आपके बेबी को प्रॉब्लम, हल्का हल्का बुखार सकता है, बट मेजर साइड इफेक्ट ऐसा पोलियो वैक्सीन का अभी तक नहीं पाया गया। माइनर इलनेसेस जो होते साधारण ये हो सकते। सर ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है और ये जो नवजात शिशु पैदा हुआ उसके बाद वाला जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, सर इसमें क्या अंतर क्या है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हमने भी देखा है बहुत सारे पेरेंट्स के मन में बहुत सवाल होता है कि जो साल में 2 बार पल्स पोलियो का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है जिसमें कैंप लगते हैं मतलब थ्रू आउट द नेशन, और अभी तो स्टेट वाइज भी होता है अलग अलग डेट्स में, तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे एट अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन उनको हमको वैक्सीन देना है। हालांकि हम बताना चाहेंगे कि वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन आप जन्म पे जो लेते हो वो 1.5 महीना 2.5 महीना 7.5 महीना लेते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है वैक्सीन, ये वैक्सीन सेम है। लेकिन जो पल्स पोलियो के प्रोग्राम में दिया जाता है उसका मूल उद्देश्य है कि हम एक ही टाइम पे सारी सोसाइटी को सेम वैक्सीन दे रहे हैं, तो हम उनको पूरी सोसाइटी को इम्यून करना चाहते हैं। सर ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है वो माता पिता को हम कैसे ये एक संदेश देना चाहते हैं कि वो एक भी प्रोग्राम मिस ना करें, और अगर उनका कोई डोज मिस होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए सबसे मेन बात है गवर्नमेंट काफी सालों से इसके ऊपर लगी हुई है और यही एक एकमात्र मार्ग है जो जिसके साथ हम पोलियो से मुक्त हो सकते हैं। मैं बहुत ये जानकारी जान के आपको जान के बहुत ये होगा कि अभी की कंडीशन में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही कंट्री जहाँ पे पोलियो के पेशेंट पाए जाते हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान, और उसका मेन रीजन वही है कि वैक्सीनेशन का कवरेज 100% अभी तक वहां पे नहीं पाया, और उसका रीजन वही है कि पेरेंट्स का अवेयरनेस कम है, रिलेक्टेंस है, हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है कि वैक्सीन लूंगा तो शायद कुछ नुकसान हो जाएगा, तो ये जो होता है इसको थोड़ा सप्रेस करना है। और सब जो पल्स पोलियो के वैक्सीन के प्रोग्राम होते हैं साल में दो बार जो कैंपेन होते हैं, वो कैंपेन में फर्स्ट डे पे क्या होता है कि आप जाके बूथ पे डोज देते हो, सेकंड डे पे ये होता है कि सेकंड थर्ड फोर्थ डे इंटेंसिव प्रोग्राम जो है उसमें जो भी आंगनवाड़ी वर्कर आपके एरिया में है वो लोग डोर टू डोर जाके ड्रॉप लगाते हैं। इस तरह से मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि ये कुछ कवर किया जाए। इसके बाद भी अगर हो सकता है कुछ पेरेंट्स को मेरा डोज मिस हो गया है, मैं 15 दिन बाद आगे जाके वैक्सीन ले लूंगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पल्स पोलियो का मूल उद्देश्य है प्रोग्राम का। तो आज माननीय डॉक्टर पराग अध्यापक सर जिन्होंने पोलियो दिवस के अवसर पर वडोदरा आज हम ओपीडी परिसर में मंडल रेलवे चिकित्सालय में बैठे हैं और सर ने बहुत अच्छी जानकारी हमें पोलियो प्रोग्राम के बारे में, साथ में उसके कारण, उसके परिणाम, साथ में लक्षण, बचाव, अन्यथा उसके उपचार के साथ साथ हमें पोलियो टीकाकरण के जो महत्व के जो जानकारी थी वो सारी जानकारी सर ने हमें मुहैया कराई। सर आपका हम धन्यवाद करते हैं और साथ में जो सर ने महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन जो हमें दी है वो बताई है कि पोलियो का जो प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकारों के द्वारा जो चलाया जाता है उसमें माता पिता अपने बच्चों को लाए और पोलियो का जो रेगुलर टीकाकरण है जो जरूरी है, बहुत आवश्यक है हमारे देश को पोलियो से मुक्त करने के लिए, उन सभी में आप अपना योगदान दें और कहीं पे भी इसके इससे ज़्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप ओपीडी परिसर में डॉक्टर पराग अध्यापक सीनियर DMO का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।